रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने अपने एक दिवसीय इतिहास के 1000वें मुकाबले में जीत हासिल कर ली है और वहीं पहले ओडीआई मुकाबले में इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। भारत ने 6 विकेट से वेस्टइंडीज को पराजित किया। लेकिन जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि क्या आप इस जीत को परफेक्ट जीत मान रहे हैं अपनी टीम के लिए, रोहित शर्मा का साफ बयान था, दो टूक उन्होंने कहा कि देखिए आप कभी भी परफेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, आप हर दिन के साथ बेहतर होते चले जाते हैं। हमने इस गेम में कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जिसको कि हमने टिक मार्क किया है और हमने खिलाड़ियों को चैलेंज दिया है कि वो खुद को चैलेंज करें और अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दें। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो एक कंसर्न अभी भी हमारे लिए हैं और उसको हम आने वाले समय में बेहतर करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हमें इस मुकाबले को 2 या 3 विकेट खो करके या 1 विकेट खो करके जीतना चाहिए था, लेकिन हमने 4 विकेट गंवा दिए और ये शायद नहीं होना चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत में गेंदबाजी अच्छी की, बाद में भी गेंदबाजी हमने अच्छी की, लेकिन जो अंतिम के 3 विकेट वेस्टइंडीज के थे उन्होंने हमें कहीं ना कहीं गेम में थोड़ा पीछे धकेलने की कोशिश की और 176 तक वो पहुंच गए, जिसे कि नहीं पहुंचने देना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि हमारी टीम अच्छी है, जहां कुछ बदलाव की जरूरत होगी वहां हम जरूर करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हर मैच में आप बदलाव ही करते चले जाएं। लेकिन फिर भी उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो गोल आपने सेट कर रखा है, आफ्टरऑल वो गोल आपको हासिल होना चाहिए, लेकिन उनका साफ तौर पर यह मानना है ये टीम और भी बेहतर होती चली जाएगी। सारे खिलाड़ी चैलेंज ले रहे हैं और सभी खिलाड़ियों को धीरे धीरे उनके रोल के बारे में बताया जा रहा है और इसीलिए ये टीम और भी बेहतर होती चली जाएगी आने वाले समय के साथ में। आपका क्या मानना है रोहित शर्मा के इस बयान के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा।